नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज मैं आया हुआ हूं केदारिया गांव में, जो उदयपुर ज़िले में है। और बाकी और भी पूरी जानकारी, और आज हम आपको दिखा रहे हैं एक बचेरा छोटा और उसकी मदर। हाँ जी भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, पहले तो आपका शुभ नाम और ये आपका कौन सी जगह है फार्म? ये सर मेरा तो नाम भरत शर्मा है और केदारिया गांव में है ये घोड़ी, और जिला उदयपुर है, तहसील बिल्डर है। अच्छा, तहसील बिल्डर। तो कितने समय से रख रहे हो आप घोड़ा घोड़ी? 5 साल हो गए घोड़ा घोड़ी रखते हुए। अच्छा, 5 साल हो गए। जी सर। अच्छा, तो अपन बात करें घोड़ी की, क्या नाम है घोड़ी का? घोड़ी का सर संजू नाम है। अच्छा, मेरा ही नाम है क्या? हाँ जी सर, मेरा नाम ही संजू ही है। अच्छा, तो क्या उम्र की होगी घोड़ी लगभग? ये सर इसको 9 साल रनिंग है। अच्छा, तो ये आपके मतलब घर की है या खरीद के लाए हुए हो? नहीं सर, हमारे मित्र से खरीदी है। अच्छा, 9 साल से आपके पास है? नहीं सर, 2 साल से मेरे पास है। 9 साल इसकी एज है। अच्छा, 2 साल मेरे पास हो गए। अच्छा, 2 साल में आपके पास कितने दिए बच्चे? बच्चे ये पहला बच्चा है इसका। अच्छा, आपके पास पहला बच्चा, और आगे पहले ठाण दी हुए है ना? 2 बच्ची पहले दी हुई है। अच्छा, तो घोड़ी किस लाइन की है, अननोन लाइन की है? ये सर है तो अननोन है, इसकी माँ संजाब है और बाप अबलक है। अच्छा, तो आगे और भी रिजल्ट दे रखे थे क्या इसने? हाँ सर, 2 बच्ची दी है इसने पहले। अच्छा, वो कौन से कलर की थी? वो सर एक तो पचकल्याण है काली। अच्छा, और एक दो पैर वाइट पट्टा है सर उसके। अच्छा, दोनों काले ही दिए इसने। अच्छा, तो किस नाम से है अपना फार्म है? ये संजू अश्व फार्म हाउस के नाम से सर। अच्छा, इसी के नाम से है। तो आपको कितना टाइम हो गया रखते रखते घोड़ा घोड़ी? मेरे को सर 5 साल हो गए। 5 साल, कितने लाए घोड़ा घोड़ी लगभग? ये सर 14वें नंबर की घोड़ी है मेरे पास में। अच्छा, तो आप सेल परचेज का काम भी है? जी सर, मतलब पहले तो था शादी ब्याह वाले थे। अच्छा, तो फिर उनको सबको सेल करके ये लाए। अच्छा, ब्रीडिंग का? ब्रीडिंग का। तो ये ब्रीडिंग का शौक आपको कहाँ से लगा है? ये सर यूट्यूब के माध्यम से। अच्छा, तो इसमें कोई फायदा है, एक नुकसान है, कैसा क्या लगा आपको? आपको कैसा लगा? पहली बार बच्चा आया है अपने तो। अच्छा, अब देखेंगे फायदा नुकसान तो ऊपर वाले के हाथ में है वो तो। अच्छा, तो घोड़ी तो होगी अननोन लाइन की। हाँ जी सर। और बच्चा है बच्ची नीचे? ये सर कोल्ट है। अच्छा, बच्चा है। क्या उम्र का बच्चा है? ये सर 3 महीने का हो गया। 3 महीने का हो गया। और इसके बाप की बात करें तो कौन है? इसका बाप सर सीताराम जी वाला घोड़ा सकरावास। अच्छा, तो क्या हाइट है उसकी घोड़े की? उसकी सर 62 है। 62 है। और इसकी माँ की? ये सर 58 है। 58 है। 58 ही है। तो आपको क्या लगता है बच्चा कितना हाइट ले लेगा? ये सर इसके बाप तो इतना चाहिएगा, बाप इतना लेगा। 62 ले लेगा। अच्छा, तो घोड़ी के तो मतलब क्या मार्किंग है? तीन पैर से और सर तिलक तोड़ में है। तिलक तोड़ है ना? हाँ, तिलक तोड़। अच्छा, तो काफी बहुत सारे लोग बोलते हैं तिलक तोड़ मतलब सही शुभ नहीं होती, तो आपके आपके कोई नुकसान नहीं है सर? मेरे पास 3 ही जानवर है और तीनों ही तिलक तोड़ है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ा है, जब से ये आई है सब अच्छे हो रहा है अपने तो। अच्छा, और बच्चे की बात करें तो बच्चे की क्या मार्किंग है सर? इसके चालो थोड़ा तेज सालो और पान टिक्का। पान टिक्का। तो अपन बात करें तो माँ और बच्चे में से सेल पे है कोई चीज? बच्चा सेल है सर। अच्छा, बच्चा सेल है। अच्छा, बच्चा क्या कितने महीने का हो गया? ये सर 3 महीना और 10 दिन का हो गया। अच्छा, तो अभी घोड़ी भरवा दी वापिस? नहीं सर, अभी खाली, अब भरवाएंगे, अब जब भी हिट बताएगी। अच्छा, घोड़ा दिखा देंगे। अच्छा, तो कितने टाइम में करवाते हो घोड़ा घोड़ी? सर 3 महीने बाद वापिस। अच्छा, तो अब की बार क्या विचार है, कौन सा घोड़ा डालने का विचार? अब की बार विचार सर पवन देव का है। अच्छा, पवन देव उड़ाएंगे। अच्छा, पवन देव उदयपुर वाला? हाँ, शंकर जी गायरी के पास में है। अच्छा, वो अच्छा, तो अच्छा की लाइन के तो सब दूर ही उदयपुर में। उदयपुर में है। हाइट का इशू रहता होगा? हाँ, घोड़ी आपके कम हाइट की है तो हाइट वाला घोड़ा चाहिए। हाइट वाला जरूरी होता है। ठीक है, बच्चा सेल पे, बच्चा कोई भी परचेज करना चाहे तो कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है भाई, आपके मोबाइल नंबर दे दो, अगर कोई भी बच्चा परचेज करना चाहे तो कर सकता है। 9887 8745 415 412 412। एक बार एड्रेस और बता दीजिए आपका। केदारिया गांव है, जिला उदयपुर, बिंडर तहसील है। बिंडर तहसील है। अगर कोई घोड़ी खरीदना चाहे तो अपने पास सर एक और है घोड़ी। अच्छा, वो सेल पे है। एक और घोड़ी है, ये सेल पे नहीं है घोड़ी? नहीं है सर। क्यों, ये क्यों नहीं करना चाहते? ये सर हमारे घर की मेन यही है हमारे।
अच्छा मेन गोड़ी यही है। अच्छा बच्चे बच्चे लेने? हाँ बच्चे लेने के लिए ही रख रखी है सर। तो आपने जैसे ब्याह पहले शादियों का काम करते थे घोड़ा घोड़ी में? जी सर। तो वो छोड़ के इसमें आने का क्या रीजन है? रीजन तो कुछ नहीं है सर, बाकी उसमें रिस्क ज्यादा है शादी ब्याह वाले में। क्या रिक्स रहती है ज्यादा? ये सर यूँ है कि कोई घोड़ी भड़क जाए तड़क जाए तो उस हिसाब से रिक्स रहती है। अच्छा इसमें कोई रिक्स नहीं है? हाँ, इसमें ब्रीडिंग में बच्चा लो और घर पे रखो घोड़ी। सही है सही है सही है। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू साहब।